ये नजारा है चिकोड़ी रोड रेलवे स्टेशन का। ये रेलवे स्टेशन एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन चिकोड़ी रोड और रायबाग रेलवे स्टेशन के बीच कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का ये इंस्पेक्शन चल रहा है। यहाँ पर आप धूल देख सकते हैं। तकरीबन 14 किलोमीटर लंबा रेल सेक्शन लौंडा मिराज रेल सेक्शन के दोहरीकरण का हिस्सा है। यहाँ पर स्पीड ट्रायल चल रहा है। यहाँ पर आपको जो धूल दिख रही है वो बता रही है कि रेल कार की स्पीड क्या है। ये खास तरीके की गाड़ी है जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी को नज़ारा करवा रही है और दिखा रही है। तमाम इसमें उपकरण लगे हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि जो रेलवे का नया नया ट्रैक बना है वो कैसा है। रेल पटरी के दोहरीकरण के तहत नए बिछाए गए रेल सेक्शन पर 125 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को चलाकर देखा जा रहा है। हम आपको बता दें, जब भी कोई नई पटरी पड़ती है तो उसको कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से ओके कराना पड़ता है। जब कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जांच करने के बाद अपना सर्टिफिकेट देते हैं तभी उस रेल सेक्शन में रेलगाड़ी चल सकती है। दरअसल इस समय भारतीय रेलवे देश के अलग अलग हिस्सों में रफ्तार बढ़ाने के लिए रेल पटरियों को दुरुस्त करने में लगी हुई है। यहाँ पर इस रेल सेक्शन में औसत स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे करने का इरादा है। और इसी इरादे के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दोहरीकरण किया गया है उससे कहीं ना कहीं इस रूट पर कंजेशन कम होगा, साथ ही साथ रेलवे की जो आवाजाही है वो आसान हो सकेगी। देखिए किस तरीके से स्पीड बढ़ती हुई, और ये एक आम नज़ारा हो चुका है दक्षिण भारत के तमाम रेल सेक्शन में, क्योंकि वहाँ पर अभी समय ट्रायल चल रहे हैं और कहीं कहीं हम कह सकते हैं कि जो दुरुस्त करने का काम है वो तेजी पकड़ चुका है। चाहे वो चेन्नई से मुंबई का रास्ता हो या हम कह सकते हैं चेन्नई से सीधा सीधा सेंट्रल इंडिया को जाता हुआ रास्ता हो, हर जगह स्पीड बढ़ाने की कवायद की जा रही है। और एक छोटा सा सेक्शन है लेकिन एक बड़े रेल सेक्शन का हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रायबाग रेलवे स्टेशन किस तरीके का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से इसका स्पीड ट्रायल किया गया जिससे यहाँ पर स्पीड बढ़ाई जा सके। देखिए और सुनिए, समझिए कि किस तरीके से भारतीय रेलवे अपनी स्पीड बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है।